मणिपुर में स्मृति ईरानी ने किया डांस, संबित पात्रा ने बजाई तालियां, कांग्रेस ने उड़ा दी भाजपा सरकार की धज्जियां। दोस्तों, मणिपुर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने डांस किया तो संबित पात्रा तालियां बजाते नजर आए। मणिपुर में जश्न का ये वीडियो अब भाजपा सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है, साथ ही स्मृति ईरानी और संबित पात्रा दोनों से सवाल भी पूछता है, क्योंकि एक मणिपुर के प्रभारी हैं तो दूसरी महिला बाल विकास मंत्री। दोस्तों, स्मृति ईरानी ने चुनाव के वक्त कुकी समाज की महिलाओं के साथ डांस किया। अब इस वीडियो को लेकर विपक्षी नेता स्मृति ईरानी से सवाल पूछ रहे हैं कि चुनाव के वक्त मणिपुर में डांस करने के बाद अब कहां गायब हो गई। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इस वीडियो को अपने ट्विटर पर शेयर किया और लिखा है कि ये मणिपुर में चुनाव के वक्त स्मृति ईरानी है, वहां वोट मांगने गई थी, बहनों के साथ नृत्य भी किया, पर जब उन बहनों के साथ अमानवीय बर्बरता हुई तब इनका मुंह बंद रहा, अब क्यों नहीं जा रही है वहां। वहीं दोस्तों, मणिपुर के आदिवासियों के लिए लगातार आवाज उठा रहे ट्राइबल आर्मी ने स्मृति ईरानी को कुकी समुदाय का दर्द बताते हुए कहा, मणिपुर में चुनाव था, स्मृति ईरानी राजधानी इम्फाल का दौरा कर रही थी, वोट पाने के लिए कुकी आदिवासियों के साथ नाच रही थी, लेकिन पिछले 3 माह से जारी हिंसा के दौरान स्मृति ईरानी ने एक बार भी मणिपुर का दौरा नहीं किया। शर्मनाक है कि उल्टा बीजेपी समर्थक कुकियों को देश विरोधी बता रहे हैं। दोस्तों, स्मृति ईरानी के चुनावी डांस में शामिल मणिपुर की महिलाएं भी सोचती होंगी कि चुनाव के वक्त जश्न तो मना लिया, लेकिन हमारे यहाँ जो मातम का माहौल है। सवाल पूछने पर स्मृति ईरानी राजस्थान और छत्तीसगढ़ का नाम लेकर गुस्सा करने लगती है। जब विपक्षी नेता मणिपुर जा सकते हैं तो देश के प्रधानमंत्री मोदी और स्मृति ईरानी भला क्यों नहीं जा सकती। दोस्तों, आप देश के प्रधानमंत्री से लेकर स्मृति ईरानी के मणिपुर पर इस तरह अनदेखी करने को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आपके अपने चैनल कबीर न्यूज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।